हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। मैं सुमित कुमार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो डैम है मेरे घर के पास ही है और ये ग्रेविटी डैम है। ये डैम अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है और अभी भी मजबूती के साथ ये टिका हुआ है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस ब्रिज के, ये डैम के ऊपर भी चढ़ के देखेंगे हम सब। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये नीचे डैम का फाटक रहा ये, और देखिए डैम में कितना पानी जमा है। बहुत सारा पानी इसमें स्टोर्ड है अभी, ये देख सकते हैं। ये रहा डैम का फाटक, पानी निकल रहा है वहाँ। आगे चलते हैं और देखते हैं। अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है और अभी भी मजबूती के साथ ये टिका हुआ है। बहुत ही मजबूत डैम बना है ये, और साला सब पत्थर से बनाया हुआ है। पत्थर से ये ऊपर भी चढ़कर देखेंगे उसे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नीचे देखिए किस तरह से पानी निकल रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पानी को रोकने के लिए दिया गया है ताकि पानी स्टोर रहे, और पानी में बहुत सारी मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सारा मछली है। वो सामने देखिए फ्रेंड्स, दो नदी का पानी, एक नदी इस तरफ से आ रही है, दूसरी नदी इस तरफ से आ रही है। दोनों नदी का पानी यहाँ के स्टोर होता है और यहाँ पे डैम बना हुआ है, और यहाँ से ये नदी होके आगे जा रही है। इस तरफ ये बना हुआ है स्टील, ये कंक्रीट का, पानी के स्पीड को रोकने के लिए, ताकि ये मिट्टी भी ना बहा ले जाए। भाग साल, भाग रहे। ये बैल आ रहा था फ्रेंड्स, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ, इसलिए वहां से हटना पड़ गया। ये डैम से ये नहर में पानी जाने के लिए बना हुआ है। ये है फाटक, जहाँ की नहर के नीचे से, नहर से पानी जो जाता है, यहाँ से फाटक लगा सकते हैं और खोल भी सकते हैं इसको घुमाने के बाद। ये देख सकते हैं, ये रहा नहर, बगल में तालाब भी है। अब इस सीढ़ी से डैम के ऊपर चढ़ के देखते हैं। ये फ्रेंड्स, डैम के ऊपर आ गए हैं।
अंग्रेज़ के ज़माने में ये बहुत ही मजबूती से बनाया गया होगा, तभी तो आज तक ये टिका हुआ है। वरना अभी तो जैसे कोई ब्रिज सा बनता है, रोड बनता है, तो 10 से 20 साल में ही उसका रिपेयरिंग का ज़रूरत पड़ जाता है। बाकी ये इंडिया को आज़ाद हुए भी कम से कम 70 साल के करीब करीब हो गया है, 70 साल से ज़्यादा, और ये अभी भी मजबूती से टिका हुआ है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना मजबूती से ये बना है। ये जो तार है फ्रेंड्स, इसके द्वारा ये घुमाने पर फाटक लगता है और वो ओपन होता है यहाँ से, इसको घुमाने के बाद घुमाने के लिए इसको हैंडल भी होगा ही फ्रेंड्स। ये एरिया पूरा जंगल का है ये, और इस तरफ गांव है, इस तरफ भी गांव है, और इस तरफ भी गांव है, इधर भी। बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। ऐसे निकल जाएगा यहाँ पे रोड साइड का काम चल रहा है, लगता है ये रोड आगे तक बनने वाला है। ये देख सकते हैं आप, रोड साइडर ये बन रहा है, जिससे कि मिट्टी आगे ना खिसक जाए और रोड कमज़ोर हो जाए, तो उसके लिए कंक्रीट का मजबूत दीवार बनेगा यहाँ पे। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं अपने जो भी जिधर भी मैं रहूँगा, जहाँ पे भी रहूँगा, उसके नज़दीक का एरिया जो भी बढ़िया बढ़िया होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।